सो दोस्तों, नोएडा में फर्स्ट टाइम ऐसा कॉन्सेप्ट आप देखेंगे जहाँ पे प्राइवेट लिफ्ट कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज योर प्राइवेट लिफ्ट, और प्राइवेट लिफ्ट के साथ में ये प्राइवेट लॉबी एरिया आ जाता है, और यहाँ से आपका मेन एंट्रेंस डोर है घर के लिए। तो जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे एक लिविंग हॉल काइंड ऑफ आ गया एरिया। उसके बाद ये आपका बहुत ही स्पेसियस डाइनिंग एरिया काइंड ऑफ, और किचन आप देखें तो किचन काफ़ी स्पेसियस है। 3200 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, तो 3200 स्क्वायर फीट फ्लैट के हिसाब से किचन जो है काफ़ी स्पेसियस किचन है। इस किचन को आप जैसे भी चाहे वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, और किचन के साथ में ही आप देखें तो यूटिलिटी बालकनी वो भी काफ़ी स्पेसियस है। शायद ही हार्डली आपने कहीं पे इतना बड़ा बालकनी देखा होगा जो कि किचन के साथ में हो। एंड दिस इज द सर्वेंट रूम, सर्वेंट रूम का ये वॉशरूम एरिया है, और ये डोर है जो कि आपको लॉबी एरिया से ओपन होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए आप देख पाएंगे तो ये कंप्लीट आ जाता है। वहाँ से हमने एंट्री किया था, फैमिली लॉन्च एरिया आ जाता है, डाइनिंग एरिया आ जाता है। एक दूसरा भी डोर यहाँ पे है, एक छोटा सा स्पेस यहाँ पे है, पाउडर रूम आ जाता है, और पाउडर रूम के साथ में ही अगर आप देखें तो ये लॉबी एरिया है आपका। एक फ्लोर पे 3 फ्लैट ही है, जिसमें से एक 3200 स्क्वायर फीट का है, एक 2125 स्क्वायर फीट का साइज है। एंड दिस इज योर, आप कह सकते हैं इसे सेकेंड बेडरूम कह सकते हैं, जहाँ पे आपको ड्रेसिंग एरिया भी मिल जाता है, वॉशरूम एरिया भी मिल जाता है, और काफ़ी अच्छी बालकनी मिल जाती है, काफ़ी वाइड बालकनी, और यहाँ से पूरा का पूरा व्यू आ जाता है आपका प्लेग्राउंड का, फर्स्ट फेज का। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, दिस इज योर थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम में भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा स्पेस है, वार्डरोब का एरिया है, अटैच वॉशरूम है, यहाँ पे भी एक आपको बालकनी मिल जाता है, इससे नीचे का व्यू आ जाता है आपको, छोटा सा ग्रीन पार्ट काइंड ऑफ। अब चलते हैं घर के मेन एंट्रेंस की तरफ। सो दिस इज योर फोर्थ बेडरूम। फोर्थ बेडरूम में भी अगर आप देखें तो अटैच वॉशरूम है विथ अटैच बालकनी, वार्डरोब एरिया, एंड द फाइनल पार्ट ऑफ दिस हाउस मास्टर बेडरूम, जो कि USP है इस पूरे के पूरे साइज का। मास्टर बेडरूम का साइज आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या यूज साइज है। यहाँ का ड्रेसिंग एरिया आप देखें, एक ड्रेसिंग एरिया ये आ जाता है, एक ड्रेसिंग एरिया पूरा का पूरा ये बन जाता है, और यहाँ का अगर आप वॉशरूम देख लें दोस्तों तो वॉशरूम का साइज देखें, क्या बेहतरीन साइज है वॉशरूम का। ऑल्दो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है नेक्स्ट 3 से 4 महीने में, तो फाइनल स्टेज का जो काम है वो चल रहा है। और यहाँ की बालकनी देख लें आप दोस्तों, क्या मैसिव साइज का बालकनी है, और यहाँ से जो व्यू आता है वो पूरा का पूरा व्यू देख सकते हैं, ओपन साइड व्यू। इसके सामने ना ही कोई टावर है, काफ़ी स्पेस है, धूप अच्छी रहेगी, पूरा का पूरा आउटडोर स्पोर्ट्स बनने के बाद बेहतरीन व्यू निकल करके आएगा। तो ऐसे किसी लोकेशन पे आप अपने लिए 3000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का साइज का फ्लैट अगर देख रहे हैं, 4 BHK प्लस सर्वेंट स्पेसियस साइज फ्लैट, जिसे आप बहुत ईजिली से कस्टमाइज भी कर सकें, तो डेफिनेटली ये एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपको डिस्कस करना चाहिए हमारे रियल्टी रिसर्च सेल्स एक्सपर्ट टीम से, और इसके बारे में समझना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे फ्लैट है जिसे आप सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम हेल्प कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अपने लिए फ्लैट प्लान कर रहे हैं और आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ज़रूर से रियल्टी रिसर्च को एक बार ज़रूर मौका दे करके देखें, वी विल नॉट डीमोटिवेट यू। आई एम होपिंग एक छोटे सा वीडियो में मैंने एक ओवरव्यू दिया है इस प्रोजेक्ट का और इस लेआउट का। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, ज़्यादा पिन एंड पॉइंट्स के लिए हमारी सेल्स एक्सपर्ट टीम से ज़रूर कोऑर्डिनेट करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहे। अपने दोस्त यारों के साथ हमारे इन्फॉर्मेशन को शेयर करें जिससे हमारा मोटिवेशन डबल होता रहे। थैंक यू, मिलता हूँ एक नए वीडियो एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।